नोएडा पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की चाहे कितनी भी दावे क्यों न कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि नोएडा पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। एक बार फिर अपराधियों ने बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में चलती कार में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सेक्टर 39 थाना इलाके में कार सवार बदमाशों ने चलती कार के अंदर युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया है कि बदमाशों ने नोएडा गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन से लड़की को कार में बंधक बनाया और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। रेप पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। वहीं इस मामले में नोएडा सेक्टर 39 थाने में मामला दर्ज कर मामले की छानबीन जारी है। दो ढाई बजे के आसपास एक महिला आई और उसका आरोप था कि शाम को 6:30 के आसपास मेट्रो सिटी स्टेशन के पास वो ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसी समय एक सफेद स्कॉर्पियो में दो लोग आए, एक ड्राइव कर रहा था, एक पीछे बैठा था। उन्होंने उससे रास्ता पूछा, फिर पीछे वाले ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके बाद उसे वो यहां से लेकर के और दिल्ली तक घुमाते रहे। दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया और अक्षरधाम मंदिर के पास उसे छोड़ करके चले गए। महिला ने 100 नंबर डायल किया, PCR आई दिल्ली की और मंडावली थाने ले गई। मंडावली थाने के माध्यम से रात में 2:30 के आसपास से महिला फिर थाना 39 आई, क्योंकि वहां से बैठी थी, इस नतीजे से वहां जाना चाहिए। उसकी तहरीर पर अभी पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना कराई जा रही है। ठीक है।